हेलो गाइस, वेलकम टू डिगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पांच कंट्रीज की जो कि आपको 2020 में सिटीजनशिप आसानी से दे सकते हैं। कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होगी, उसके बाद आप बिल्कुल आसानी सिटीजनशिप गेट कर सकते हो इन पांच कंट्रीज की। 2020 में काफी ज्यादा ऐसे प्रोग्राम्स निकलने वाले हैं, ऐसे वीजाज निकल चुके हैं जिसके तहत आप वहां पर जाके पीआर भी ले सकते हो और सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दो कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज नीचे रेड बटन होगा इसको दबा दो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। फ्रेंड्स सबसे पहला जो नाम है वो है कनाडा का। काफी ज्यादा लोग मुझे पता है कहेंगे यार कि कनाडा का जॉब ऑफर लेना इतना मुश्किल है तो सिटीजनशिप तो बहुत दूर की बात है। लेकिन दोस्तों 2020 में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी निकल रहे हैं और अभी निकल भी चुके हैं जिसके अंदर आप सिटीजनशिप बिल्कुल आसानी गेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो जो भी प्रोग्राम्स होंगे उसके अंदर आप जॉब ऑफर आपको लेनी होगी। अब जॉब ऑफर मुझे पता है काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन म्युनिसिपल प्रोग्राम निकलने के बाद वो बहुत आसान होने वाली है। जॉब ऑफर लेने के बाद आपके पास 12,000 कैनेडियन डॉलर फंड मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास ये मौजूद है तो आप बिल्कुल आसानी जाके पीआर गेट कर सकते हो। आपको पता है काफी ज्यादा प्रोग्राम्स ऐसे निकल रहे हैं जिसके अंदर आप जाते ही पीआर गेट कर सकते हो। अब पीआर लेने के बाद आपको 4 साल तक वहां पे रहना होगा। 4 साल के बाद आप बिल्कुल आसानी कैनेडा की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप 4 साल वेट ना करो और आपको पीआर भी नहीं मिला है तो आप जॉब ऑफर लेने के बाद वहां पे आपके पास सिर्फ फंड मौजूद होना चाहिए और साथ ही में आप वहां पे किसी भी कैनेडियन लड़की से या लड़के से शादी कर सकते हो। शादी करने के बाद आप फौरन ही सिटीजनशिप अप्लाई कर पाओगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जाए कैनेडा की तो कैनेडा में सबसे अच्छी चीज ये है कि ये ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ करती है, मतलब आपको अपनी कंट्री की सिटीजन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बात की जाए नंबर 2 पे तो यह है आयरलैंड। दोस्तों आयरलैंड की पीआर लेना काफी ज्यादा आसान है और वहां पे जाने के बाद अगर आप पीआर गेट कर लेते हो तो 8 साल के बाद आप बिल्कुल आसानी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो और साथ ही में ये कंट्री भी ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ करता है। उसके बाद बात की जाए नंबर 3 की तो यह है सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर का जो आपने व्यू देखा है काफी ज्यादा अच्छा है, काफी फॉरनर्स वहां पे जाते रहते हैं। लेकिन वहां पे सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि वहां पे अगर आपके पास पैसा है और आप किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर बिजनेस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेते हो तो इन्वेस्ट करने के बाद आपको पीआर मिल जाता है बिल्कुल आसानी, और पीआर मिलने के बाद आप बिल्कुल आसानी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आप वहां पे किसी भी लड़की से या लड़के से वहां के सिटीजन से शादी कर सकते हो। शादी करने के 2 साल के बाद आप बिल्कुल आसानी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। बट सिंगापुर की एक चीज गलत है कि यहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है, मतलब कि आपको उसकी सिटीजनशिप लेने के लिए अपनी कंट्री की सिटीजनशिप छोड़नी होगी। उसके बाद बात की जाए नंबर 4 की तो यह है ग्रीस। दोस्तों ग्रीस के अंदर गोल्डन वीजा निकला है जिसके तहत आप बिल्कुल आसानी पीआर गेट कर सकते हो। अब गोल्डन वीजा के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको इंटरनेट के थ्रू मिल जाएगी और अगर आप मुझे कहोगे तो मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी आप लोगों को बना दूंगा। पीआर लेने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है लाइक क्वालिफिकेशन आपकी ज्यादा होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ज्यादा होने के बाद आपको साथ ही में 2,50,000 यूरो जो है वो इन्वेस्ट भी करने हैं किसी भी प्रॉपर्टी या बिजनेस के अंदर। अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हो तो आप बिल्कुल आसानी पीआर गेट कर सकते हो और पीआर गेट करने के बाद आप बिल्कुल आसानी ग्रीस की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात की जाए नंबर 5 की तो यह है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का आपने काफी ज्यादा नाम सुना होगा, काफी ज्यादा लोग वहां पर जा रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर 2 साल तक रहना होगा आपको और 2 साल तक अगर आप रहते हो लाइक किसी भी जॉब ऑफर के लिए या वर्क परमिट पे किसी भी तहत 2 साल अगर आप वहाँ पे रुक जाते हो तो $2,000 आपकी पर मंथ सैलरी होनी चाहिए और ये चीज़ें अगर पूरी होती है तो आपको वहाँ पे बैंक अकाउंट बनाना होगा और साथ ही में बैंक स्टेटमेंट शो करना होगा। देन फिर उसके बाद आप बिल्कुल आसानी वहाँ की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी टॉप 5 कंट्रीज जहाँ पर आप सिटीजनशिप बिल्कुल आसानी ले सकते हो। अभी 2020 के अंदर काफी ज्यादा आसान रूल्स होने वाले हैं इन कंट्रीज के जहां पर आप अप्लाई करके अपना फ्यूचर बना सकते हो, अपनी फैमिली का फ्यूचर अच्छा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।